नवरात्रि हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस वक्त पूरे देश में धूमधाम से चैत्र नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार में पूरे 9 दिन माता के अलग अलग रूपों को समर्पित होते हैं। ऐसे में आज नवरात्रि का 7वां दिन है, जो कि माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। सनातन धर्म में नवरात्र का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 7वें दिन भक्त देवी कालरात्रि की पूजा करते हैं। ये माँ दुर्गा का उग्र स्वरूप है। देवी काली को राक्षसों, बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। ये भक्तों के जीवन से अंधकार को भी दूर करती है। देवी कालरात्रि का रंग अंधेरी रात के समान गहरा माना गया है। खुले बाल और गले में मुंड माला उनके स्वरूप को उग्र रूप में प्रदर्शित करता है। माना जाता है कि कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में व्याप्त भय और दुखों से मुक्ति मिल जाती है, गुप्त शत्रुओं का भी नाश होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शुभ निशुभ और रक्त बीज नाम की राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों के हाहाकार से परेशान होकर सभी देवता गण शिव जी के पास गए और उनसे इस समस्या से बचने का कोई उपाय मांगने लगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर शुभ निशुभ का वध कर दिया। लेकिन जब रक्त बीज के वध की बारी आई तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्त बीज को ये वरदान मिला था कि यदि उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत हुआ।